फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको गरम कमीज की कॉलर लगाना बताऊंगी, जो कि ये देखिए आगे डिज़ाइन वाली नेक बनी हुई है गला। अब पीछे बैक साइड में हमें कॉलर लगाना है, तो इसमें कॉलर कैसे लगेगी, तो चलिए हम इसके लिए कपड़ा कटिंग करते हैं। और हमें कॉलर में बकरम लगानी पड़ती है, तो वो कटिंग करते हैं, तो वो चलिए देखते हैं। तो इस तरीके से हमने बकरम लिया है और बकरम को अब हम नाप लेंगे, हमें कहाँ तक कॉलर लगानी है। यहाँ से इस तरीके से हमें 12 इंच या 11.5 इंच का इससे कट कर लेना है। ये देखिए, तो इस तरीके से हम नाप लेंगे एक बार इंची टिप से। ये देखिए, यहाँ हम 11.5 पर एक मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमने 11.5 पर मार्किंग कर लिया है। ये देखिए, अब इसको हम कॉलर बनाने के लिए एक शेप देंगे, हल्का सा इसमें हम छांट लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए, तो इस तरीके से हमने छांट लिया। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें इससे कपड़ा निकालनी है। तो ये देखिए, हम इस वाले फैब्रिक को इसके ऊपर रख देंगे और इसी के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। तो उसके लिए पहले हम फैब्रिक को निकाल लेते हैं, इसी के अकॉर्डिंग नाप कर निकालना है, तो वो हम निकालते हैं। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से निकाल लिया है। अब इसको हम स्टिच करेंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर हम इसको रख लेंगे ये, और स्टिच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम काट लेंगे। तो चलिए अब हम मशीन पर चलते हैं और इसका कॉलर लगाकर बताते हैं। फ्रेंड्स, हम इसका पहले कॉलर बना लेते हैं। तो उसको बनाएंगे कैसे, तो हम इसके ऊपर रख लिए हैं, बिल्कुल बराबर से रख लेंगे और इसको हम सिलाई लगा देंगे और स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई हमने लगा दिया है। अब इसी तरीके से हम इधर गोल राउंड करते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो गरम कुर्ती में कॉलर लगाने का सबसे आसान तरीका बता रही हूँ, इसी तरीके से आप लगाएंगे। तो चलिए, ये देखिए, हमने स्टिच कर लिया। अब इसको हम कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा वाले को इधर से कट कर लिए, उसके बाद इधर से कट कर लिए। अब दोनों को कट करने के बाद हमें उलट लेना है, तो इसको उलट लेंगे किस तरीके से, ये देखिए। तो इसको हम इस तरीके से उलट कर सीधी तरफ कर लेंगे। अब सीधी तरफ करने के बाद अब हमें इसमें सिलाई लगा देनी है, तो वो सिलाई लगाकर हम एक बार स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, फिर अब इसको हम इधर की साइड इधर से करके एक सिलाई मुड़ा लेंगे। अब देखिए, मुड़ाने के बाद हम धागा को कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये देखिए, इसको हमें बीच सेंटर पर एक कट लगाना है, ये वाले सेंटर पे। ये देखिए, तो ये हमने कट लगा दिया फ्रेंड्स इस तरीके से। अब क्या करना है, हमको नेक ले लेना है, ये जो हमने डिज़ाइन बनाया हुआ है। अब इसको क्या करना है, एक सेंटर पे इसके हमें कट करना है। ये कट हम इस तरीके से कर लेंगे, ये देखिए, ये हमने कट कर लिया। अब इसमें कॉलर कैसे अटैच होगी वो देखिए। तो कॉलर जोड़ने के लिए हमें इसको इस तरीके से लेना है, ये सेंटर और ये सेंटर, और दोनों को इस तरीके से पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद अभी इसको यहाँ से यहाँ तक 2 इंच सिलाई लगा लेना है, तो वो लगा लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद जो धागा एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगा के थोड़ा सा स्टिच कर लिए हैं। उसके बाद अब क्या करना है, हमें इसको इस तरीके से, ये देखिए, लेकर के अब एक सिलाई और लगाना है। तो वो सिलाई कैसे लगेगी, इस तरीके से
इसके अंदर करते हुए हमें एक सिलाई अब इसके ऊपर से लगाना है फ्रेंड्स। ये लगाना बहुत आसान है कॉलर, तो अब चलिए देखिए हम इधर साइड इसको कर लेंगे इसको इस तरीके से, और उसके बाद एक एक सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए अब ये वाला सिलाई हम लगाएंगे। इसके बाद से इस तरह हमें प्ले करते करते पूरा ऊपर से सिलाई लगाना है। इस तरीके से हम पूरा में लगा लिए सिलाई। जब एक्स्ट्रा धागा है उसको हम कट कर लेंगे। अब सीधा करके दिखाते हैं कि कितना आसानी से कॉलर हमारा बन जाता है। ये देखिए बन गया है। अब इसको हम इस टाइप से करके दिखाते हैं कि देखिए कॉलर बनाना कितना आसान है। इसी तरीके से आप लोग भी अपना कुर्ती में कॉलर बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितना आसान है ये कॉलर लगाना। मैं खुद के लिए ये कुर्ती गर्म कुर्ती स्टिचिंग की हूँ और कॉलर भी आज लग के रेडी हो गया। तो ये डिज़ाइन हमने बनाया है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये डिज़ाइन भी प्यारा लग रहा है और कॉलर भी लगाने का सबसे आसान तरीका मैं बता दी। अगर आपको नहीं भी आती हो तो आप इसी तरीके से कॉलर कटिंग करके आप हाफ कॉलर कुर्ती में लगा सकते हैं। तो ये देखिए कैसा लगा आपको ये कटिंग और स्टिचिंग, आप हमें ज़रूर कॉमेंट करके बताएंगे। अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर पूछना हो तो कॉमेंट कीजिएगा। फिर मैं आ रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।